हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज जा रहे हैं सारसरू। मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं सारसरू का है रामाधार, बहुत सुंदर। इन्हीं के साथ में आज सारसरू का वीडियो आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे तरफ देखिए मैन रोड है, प्रतापपुर रोड। अब इधर से अगर इधर घुमाते हैं तो सूरज भैया थान वाला, ये भैया थान जाएगा इधर, ये भैया थान। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सारसरू की तरफ। ये देखिए, देखिए यहाँ का नजारा। यहाँ तो आदमी मत कहिए, छोटा सा सक्री एक पुलिया है, आगे दिखाते हैं। इधर तो गाड़ी आ ही नहीं सकते, इधर दिखाते हैं कुछ दूरी पर, अब कुछ इधर दिखाते हैं। कितना खतरनाक रास्ता है, देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसका बैनर, जो माता सरस्वती का। अब इधर देखिए एक घर है, घर पर अब जस्ट हम, अब ये जो बन रहा है अभी घर, अभी ये बन रहा है। अब इधर देखिए छोटा सा ही है, अब यहीं से जब आते हैं माता सतलोकी के दरबार पर श्रद्धालुगढ़, तब स्कूल में देखते हैं कि ये भीड़ का जमावड़ा होता है। अब ये जस्ट है इसका ये टर्निंग मोड दिखाने के, अभी आगे गेट पड़ेगा इनके सामने, इस गेट को भी दिखाते हैं क्या था माता सतलोकी, कहाँ पर विराजमान थे। और यहाँ पे राम और लक्ष्मण, शिव जी का, दुर्गा मैया का, यहीं पर आए थे सारसरू को मारने के। मैन गेट यहाँ देख, जय माता जी, जय माता, जय माता जी, जय माता जी, पापियों का नाश करो, धर्मी का जय करो, जय माता। अब यहाँ का कथा कहानी कैसा है, ये सत बहनी का, सतलोकी माता जो इनको पंडित बताएंगे महाराज जी। तो सारसरू जगह ये प्राचीन है, हाँ है ना, जब ये मंदिर भी नहीं था तब का ये जगह है, हाँ। और यहाँ देवियों का स्थान है, माँ सतलोकी देवी का, जो सात बहन है ना, माँ सतलोकी देवी सात बहन है उसमें। तो जब ये मंदिर नहीं बना था तब भी इस जगह का पूजा हो रहा था, हाँ। तो पहले के लोग जो बैगा था, हाँ, है ना, तो वो यहाँ पानी के अंदर जाता था पूजा करने देवियों का, माँ सतलोकी देवी का। माता जी लोग से गलती हो गया, माता जी उसको मना कर दिए कि आज के बाद नीचे अब नहीं आना है पूजा करने, जो भी करना है तुमको ऊपर से ही करना है। बोला जब छोड़ दिया वहाँ पे तो बल की कार रखते थे, लेके जाते थे अंदर, हाँ, जो भी रहा होगा उसका गलती, हाँ, उस टाइम से, हाँ, उसको मना हो गया उस दिन से, वो फिर नहीं जाता था दोबारा, हाँ। उसके बाद से वो नहीं गया, फिर जो भी उसको पूजा वूजा करना था वो ऊपर से ही करता था देवियों को, हाँ। उसके बाद फिर अपने जब तक सका वो भैया तब तक किया, भैया का भैया मृत्यु होने के बाद फिर कोई दूसरा किया ही नहीं, हाँ। तो फिर बहुत दिन बाद एक दो पीढ़ी बीत गया उसका, एक दो पीढ़ी बीतने के बाद फिर यहाँ मंदिर बना दिए गए श्री नवलचार राजवाड़ी जी बनवाए, हाँ। कैलाशपुर वाले, हाँ। तो फिर यहाँ मंदिर बनवा दिए, देवी का बनवा दिए, शंकर जी का, दुर्गा जी का, गंगा जी का, राम जी का और हनुमान जी का, काली जी का, सात मंदिर हैं, सात मंदिर बनवा दिए। तो अब लोग ऊपर ही पूजा करते हैं मंदिरों में, जी। अब
अब उनका स्थान मंदिर में दे दिया गया, देवियों का जो थे उनका स्थान अब मंदिर में दे दिया गया, तो मंदिर में पूजा होता है तो जैसे जिनको श्रद्धा होता है मान उनका मान्यता में जैसे लोग आते हैं बहुत कुछ मानने के लिए, जैसे मानवता होता है नारियल बांध के चले जाते हैं अपने मानवता के लिए, हाँ तो उसका पूरा हो जाता है और लोग इसे बांध कर जाते हैं, आते भी हैं बताते हैं पूरा हो गया है, खोलते हैं अपना भी देना चलता है। यहाँ पर शुद्ध नारियल चढ़ता है, हाँ तो जैसे जैसे शुद्ध शाकाहारी जो है शाकाहारी में जो मांस उनसे ये सब नहीं चढ़ता, और लोगों जैसे कुदरगढ़ हो गया, इधर वजराजपुर हो गया, इधर कोपा हो गया, इस तरीके से नहीं है, यह शुद्ध शाकाहारी है। चेहरा में भी इसी टाइप का शाकाहारी, हाँ शाकाहारी इसी तरह। वहाँ चलो वहाँ चलो, राम जी भी आए थे, हाँ राम जी, हाँ और सारा नमक अशोक को मारा था उसका भी एक गाथा था। ठंडा नाम है, वहीं रुके थे सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी, मैं तो वहाँ नहीं गया हूँ, हाँ पर बताते हैं कि जो जैसे खाना वाना बनाए हैं रुके हैं, हाँ वो आज भी वो पत्थर का हो बचे हैं, हाँ तो सतखंडा मंदिर किधर? सतखंडा मंदिर नहीं है, बस जगह का नाम है सतखंडा, सतखंडा यहाँ से ऐसे शॉर्टकट जाइएगा तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगी, हाँ पैदल यात्रा करिएगा तो, हाँ और गाड़ी से जाइएगा तो ज़्यादा पड़ता है 25-30 किलोमीटर पड़ जाते हैं, हाँ ऐसे घूम के, हाँ